सुमन पाल, बस्ती जिले में दो फर्जी टीचरों को बीएसए ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है और फर्जी मार्कशीट के सहारे सालों से ये दोनों फर्जी टीचर नौकरी कर रहे थे और इनके खिलाफ बीएसए ने मुकदमा दर्ज कर वेतन के वसूली का भी आदेश दे दिया है। बता दें आपको कि पहली फर्जी सहायक अध्यापिका अनिता सिंह साल 1994 से नौकरी कर रही हैं और मौजूदा समय में प्राथमिक विद्यालय दासियों में टीचर थी और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जब पैरोल मॉड्यूल कर इनका डेटा अपलोड किया गया तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि असली टीचर अनिता सिंह मऊ जिले के खवाजा जहापुर में टीचर है और हाई स्कूल के अंक पत्र की जांच में प्रकाश में आया कि वास्तविक अनिता सिंह मऊ में पढ़ा रही हैं और उनकी जगह पर फर्जी टीचर अनिता सिंह बस्ती में पढ़ा रही हैं और वहीं दूसरी फर्जी टीचर प्रेमलता सिंह 1997 से टीचर ही हैं और इस समय प्राथमिक विद्यालय महुआ डाबर में प्रधान अध्यापिका के पद पर तैनात थी और इनके खिलाफ असली टीचर प्रेमलता सिंह जो कि गोरखपुर में सहायक अध्यापिका हैं उन्होंने शिकायत की थी असली प्रेमलता सिंह के अभिलेख और पैन कार्ड का दुरुपयोग करते हुए बस्ती की प्रेमलता ने नौकरी हथिया लिया था और शिकायत पर जब विभागीय जांच शुरू हुई तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और बीएसए इंद्रजीत प्रजापति ने बताया कि जांच में दोनों टीचर फर्जी अभिलेख से सालों से नौकरी कर रही थी और जांच रिपोर्ट के बाद दोनों टीचरों की सेवा समाप्त कर दी गई है और साथ ही मुकदमा दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया है। जो भी नौकरी के दौरान इन्होंने वेतन लिया है उसकी भी रिकवरी करने के आदेश दे दिए गए हैं। जी, हमारे यहाँ दो शिक्षिकाएं जो है जो फर्जी दस्तावेज का धर्म कार्यरत थी, एक है अनिता सिंह जो 1994 से सल्टेगुआ ब्लॉक कर रहे थे, दूसरी है हमारी प्रेमलता सिंह जो हमारे गौर ब्लॉक में कार्यरत थी, ये 1997 से कर रहे हैं। तो दोनों शिक्षिकाओं की शिकायत हुई, शिकायत में जब जांच कराई गई तो शिकायत पुष्ट पाई गई कि ये फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी कर रही हैं। जो ओरिजिनल शिक्षिका हैं उसमें प्रेमलता सिंह मऊ में कार्यरत हैं, जो हमारी अनिता सिंह हैं वो गोरखपुर में कार्यरत हैं। इन दोनों के दस्तावेज का उपयोग करके यहाँ नौकरी की जा रही थी, अब इनके बर्खास्त कर दिया गया है, अब इनके खिलाफ FIR कराई जा रही है, इसके बाद जो है हम रिकवरी करवाएंगे। बिहार में जहरीली शराब पीने से कई लोगों के मौत के बाद अब यूपी में भी पुलिस और आबकारी के अधिकारी नींद से जाग गए हैं और नदियों के सीवान में चोरी छिपे बनाए जा रहे कच्ची शराब के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है और इसी मामले में बस्ती में भी सरयू नदी के किनारे माझा इलाके में कच्ची शराब के अड्डों पर राज्य प्रशासन की टीम ने छापा मारा और भारी संख्या में कच्ची शराब उसे बनाने के लिए मटेरियल को भी बरामद कर लिया है। छावनी थाने के ही पुलिस और SOG की संयुक्त टीम द्वारा क्षेत्र में अवैध शराब के अड्डों पर छापेमारी की गई और पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि सरयू नदी के किनारे अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है। सूचना पर थाना छावनी और COG टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने एक शराब कारोबारी को मौके से ही पकड़ लिया। पुलिस टीम ने मौके से अवैध शराब बनाने के कारोबार में उपयोग होने वाले 2 अदद लोहे का ड्रम, 1 अदद लोहे की भट्टी, 10 डिब्बा और 4 अदद एल्यूमिनियम का पतीला, अवैध उपायकर अपमिश्रित शराब करीब 300 लीटर, अर्ध निर्मित शराब करीब 200 लीटर, करीब 2500 लीटर लहन और इसके साथ ही एक प्लास्टिक के झोले में करीब 2 किलो सफ़ेद पदार्थ, यूरिया सहित 4 अदद प्लास्टिक का पाइप बरामद किया है। जनपद में पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश के क्रम में अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में थाना छावनी की पुलिस और SOG टीम द्वारा आज रात बीती रात और आज सुबह भोर में थाना छावनी के छतौना गांव और संदापुर गांव के आसपास सरयू नदी के किनारे माझा में दबिश दी गई, जिसमें एक अभियुक्त जिसका नाम राहुल पुत्र बुद्धू निवासी संदलपुर थाना छावनी है वो मौके से गिरफ्तार किया गया और उसमें से 2 अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहे, जिसमें मौके से लगभग 300 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब और लगभग 200 लीटर अर्धनिर्मित शराब और बरामद हुई है। साथ ही कई वहाँ पे भट्टियाँ नष्ट की गई और
शराब बनाने के बहुत सारे उपकरण नष्ट किए गए हैं। नियमानुसार गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजकर इसमें आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है और इस संबंध सीतापुर में कोहरे के चलते बड़ा हादसा हो गया है। लखनऊ से सीतापुर शिक्षकों को लेकर आ रही वैन डीजीएम से टकरा गई है। आपको बता दें कि इस हादसे में वैन सवार 8 शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को मिश्रिक सीएचसी में भर्ती करवाया है, जहां 2 शिक्षकों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें लखनऊ भी रेफर कर दिया गया है। वहीं अन्य 6 शिक्षकों का उपचार मिश्रिक सीएचसी में चल रहा है। गोंडा में जिला महिला चिकित्सालय की अधीक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि 1 डॉक्टर 1 स्टाफ नर्स पर कार्रवाई की गई है और साथ ही 2 चिकित्सकों और 6 स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई है और कार्रवाई वसूली और भ्रष्टाचार को लेकर की गई है। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। सिद्धार्थनगर में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां दबंगों के क्रिकेट खेलने के दौरान मामूली कहासुनी में 2 सगे भाइयों पर जानलेवा हमला कर लहूलुहान कर दिया गया। अदुबा गांव के क्रिकेट के दौरान दबंगों ने 2 भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया और इसके साथ ही दोनों सगे भाई डुमरियागंज थाना क्षेत्र के बसडिया गाँव में रहने वाले हैं और वहीं डुमरियागंज पुलिस अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं कर पाई है और ना ही घायलों का इलाज करवाया गया है। आपको बता दें कि डुमरियागंज पुलिस अपने कारनामों से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। बलरामपुर में शिक्षा विभाग का कारनामा उजागर हुआ है, जहां पर 10 सालों से पत्नी की जगह पति स्कूल में पढ़ा रहा है और वहीं स्कूल के छात्राओं ने शिक्षक पति पर अश्लील हरकत करने का भी आरोप लगाया है। आरोपी पति पर कार्रवाई न होने पर छात्र छात्राएं जिलाधिकारी से मिले और छात्रों का आरोप है कि बेसिक शिक्षा विभाग और उसके अधिकारी मामले की लिपापोती करते हुए भी नजर आ रहे हैं और कई बार शिकायत होने के बाद डीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आरोपी पति और शिक्षिका के खिलाफ कई बार शिकायत हो चुकी है। मामला डीएम ऑफिस से महज 2 किलोमीटर दूर उच्च प्राथमिक विद्यालय घुसाह का है। अमेठी में पूर्व कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर हमला बोला है। आपको बता दें कि दीपक सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी जब अमेठी से सांसद थे तब अमेठी में विकास की परंपरा थी, अब नौटंकी और ड्रामा अमेठी की परंपरा बनती जा रही है और जिससे अपने पाप को छिपाया जा सके। और प्रमाण के साथ राहुल गांधी जब अमेठी आते हैं और किसी बड़े स्टेट या फिर नेशनल हाईवे पर उद्घाटन करने आते हैं और हर साल लगभग 100 से ज़्यादा सड़कें PMJSY की अमेठी में बनती थी, जो अमेठी के गाँव को नेशनल हाईवे से जोड़ती थी। और साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में 200 बेड का अस्पताल इसलिए बनवाया कि मेडिकल कॉलेज खोले जा सके। राहुल गांधी जी ने अमेठी में ही उड़ान एकेडमी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट FTDI इसलिए बनाया कि अमेठी के लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पूरे विश्व के नाम रोशन कर सके। और स्मृति ईरानी, आप बताइए, एक ईंट किस फैक्ट्री के नाम पर लगवाई है और आप गड्ढे नहीं भर पा रही हैं, सिर्फ अपने सांसद निधि को खर्च करके लाखों करोड़ बताने का काम करती हैं। राहुल गांधी जो अमेठी के सांसद थे, अमेठी में विकास एक परंपरा थी, अब नौटंकी और ड्रामा अमेठी की परंपरा बनती जा रही है, इसलिए अपने पाप छुपाए जा सके। तथ्य और प्रमाण के साथ, जब राहुल गांधी जी अमेठी आते थे, किसी स्टेट नेशनल हाईवे या किसी बड़ी सड़क का उद्घाटन करने आते थे, हर वर्ष लगभग 100 से ज्यादा सड़कें PMJSY की अमेठी में बनती थी, जो नेशनल और स्टेट हाईवे से गांव को जोड़ती थी। अमेठी में 200 बेड का तिलोई में अस्पताल इसलिए बनवाया कि वहां पर मेडिकल कॉलेज खोला जा सके। मेडिकल कॉलेज खोले जाने का जो नियम है, 200 बेड के जहां अस्पताल होंगे वहीं खोला जा सकता है। राहुल गांधी जी ने अमेठी में समय दृष्टि से
महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे सुरंग निर्माण में खराब गुणवत्ता का स्थानीय लोगों ने कार्यदायी संस्था में आरोप लगाया है और इसके साथ ही स्थानीय लोगों द्वारा सुरंग निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले डस्ट पर सवाल खड़े किए गए हैं। दरअसल रेलवे परियोजना के तहत रानी हॉट में रेलवे टनल निर्माण में मिट्टी नुमा डस्ट प्रयोग की जा रही है, जिससे टनल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना वॉशिंग प्लांट के यहां पत्थरों से डस्ट निकाला जा रहा है जो कि मिट्टी नुमा है और इसके साथ ही सुरंग में प्रयोग की जाने वाली डस्ट के वैज्ञानिकों से जांच कराए जाने की भी स्थानीय और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े लोग मांग कर रहे हैं और इस संबंध में स्थानीय लोग प्रधानमंत्री समेत मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेज चुके हैं। सामाजिक कार्यकर्ता टैग सिंह नेगी ने स्पष्ट किया है कि अगर जल्द ही सुरंग निर्माण में लगी डस्ट की गुणवत्ता की जांच वैज्ञानिकों से कराए जाने की मांग की है और कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी। जहां से ये डस्ट आता है क्रेशर से, उस क्रेशर में सबसे पहले तो वॉशिंग प्लांट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग टेरी डैम का भी काम देख चुके हैं जहां रोड़ी डस्ट पूरा वॉशिंग करके ही डैम में लगता था और यहां देख रहे हैं तो ये तो बिल्कुल मिट्टी लगा रहे हैं पूरा, मैंने आपको दिखाई दिया है, वहां इसका कोई वॉशिंग प्लांट है नहीं। और ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये उनके साथ पे भी बट्टा लगा रहे हैं, बिल्कुल मिट्टी लगा रहे हैं। कल को कोई जान माल का बहुत बड़ा नुकसान होगा, अगर सुरंग धस जाएगी तब क्या होगा। इतने कहने पर भी प्रशासन होश में नहीं आ रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष रहे चक्राता विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस के विधायक और पूर्व विधायकों सहित अनेक वरिष्ठ कांग्रेसियों ने आज भारत जोड़ो यात्रा में भागीदारी के लिए राजस्थान पहुंचकर मालाखेड़ा अलवर में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया और इस दौरान उत्तरकाशी गंगोत्री से कुछ विधायक और वरिष्ठ नेता विजयपाल सजवार सहित प्रताप नगर विधायक विक्रम सिंह नेगी, जसपुर विधायक आदेश चौहान, द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट और इसके साथ ही पूर्व विधायक राजपुर रोड राजकुमार राजपाल खरोला और सहित अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सुशासन दिवस के उपलक्ष में जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु सोमवार को जिला सभागार में शिविर आयोजन किया गया और शिविर के क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान की उपस्थिति में जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने जनता की समस्याओं और शिकायतें सुनी हैं और शिविर में कुल 51 समस्याएं और शिकायतें दर्ज हुई, जिसका अधिकांश का मौके पर ही जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में निराकरण किया गया और जिलाधिकारी ने कहा कि जिन समस्याओं और शिकायतों का मौके पर निस्तारण नहीं हुआ है उनके संबंधित विभागीय अधिकारी शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। शिविर में सड़क, पानी, बिजली और इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेकर भी प्रमुख समस्याएं रही हैं और जिला सभागार में आयोजित शिविर में ही विधायक ने सुशासन पर बोलते हुए कहा कि अधिकारी जनता की समस्याओं का त्वरित गति से निस्तारण करें। चमोली जिले के नारायण बग्गड़ प्रखंड में मंगलवार को पुलिस क्षेत्र अधिकारी कर्णप्रयाग अमित कुमार के नेतृत्व में आयोजित पुलिस चौपाल में नारायण बग्गड़ के महाविद्यालय और स्कूलों के छात्र छात्राओं, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्धजनों के यातायात व्यवस्था, नशे का प्रभाव, बाहरी लोगों के सत्यापन और साइबर क्राइम के अलावा अन्य कई समस्याओं पर चर्चा करते हुए इनके निराकरण हेतु जरूरी सुझाव दिए गए हैं। जिले में स्कूल द्वारा ग्रामीण चौपाल लगाने के प्रोग्राम बनाए गए हैं, निर्देशित किया गया है गांव गांव जाकर लोगों को अवेयर किया जाए। इसमें मुख्य रूप से साइबर क्राइम, ड्रग्स, महिला संबंधी अपराध और ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उन पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जो जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है हम पुलिस में या सर्विस डिलीवर करने में, जैसे उत्तराखंड पुलिस ऐप, गोरा शक्ति ऐप, ट्रैफिक आई ऐप, इन संबंध में लोगों को जानकारी दी जा रही है, अवेयर कराया जा रहा है, लोगों को जागरूक रहना है। साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी कॉल्स आते हैं, कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, फ्री में कुछ नहीं है आजकल की
टाइम में तो लोगों को अवेयर रहना है क्यों क्या कैसे उस बारे में जानकारी करनी है। उनके आसपास अगर कोई भी ड्रग्स से संबंधित सूचना है तो गुप्त रूप से उच्च अधिकारियों रुड़की के नगर निगम सभागार में मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया गया और तहसील दिवस में सीडीओ प्रतीक जैन और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह के तहसील दिवस में पहुंचकर पीड़ित लोगों की समस्याएं सुनी हैं और जिसमें मुख्य समस्या अतिक्रमण पेंशन और इसके साथ ही चकबंदी आय प्रमाण पत्र आदि समस्याएं सामने आई हैं। अधिकारियों ने तहसील दिवस में पीड़ित लोगों की समस्या सुनकर उनकी समस्याओं का निस्तारण तुरंत कराने के निर्देश दिया है और कुछ समस्याओं का अधिकारियों ने तुरंत निस्तारण करा दिया है तो कुछ के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है। लक्सर तहसील सभागार में आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया जिसमें 12 शिकायतें आई और तहसील दिवस में राशन डीलर की शिकायतों का मुकदमा छाया रहा। आपको बता दें कि इस्लामपुर के सरकारी राशन डीलर के खिलाफ इस तहसील दिवस से पहले भी शिकायतें आ चुकी हैं लेकिन आज तक इसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें आपको कि तहसील दिवस में पहुंचे शिकायतकर्ताओं ने दोहराया कि अगर इस बार कार्रवाई नहीं हुई तो वो तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन करने को लेकर मजबूर होंगे और हालांकि लक्सर उपजिलाधिकारी ने उन्हें आवश्यक किया है कि उक्त राशन डीलर के खिलाफ हर हाल में कार्रवाई की जाएगी। और जब हमने पूर्व में ही लगे तहसील दिवस में आई शिकायतों को लेकर पूछा गया तो अभी तक ऐसी कितनी शिकायतें हैं जिनका समाधान नहीं हो पाया है और जिला अधिकारी गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि जिलाधिकारी के द्वारा लगाए तहसील दिवस में 102 शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे और जिनमें से 25 शिकायतें ऐसी हैं जिनका अभी तक निराकरण नहीं हो पाया है और 25 शिकायतों के निराकरण की जानकारी अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है जो जिला स्तर के अधिकारियों को प्रेरित किया गया है। कि तहसील दिवस में अभी तक 10 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और जिसमें 2 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ है, शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को हस्तांतरित की गई है और सभी को निर्देशित किया गया है कि एक सप्ताह के अंतर्गत उनका निस्तारण करके रिपोर्ट प्रेषित करें। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 1 नवंबर 2022 को जो तहसील दिवस यहाँ पर लक्सर में लिया गया था उसमें लगभग 109 शिकायतें प्राप्त हुई थी जिसमें से अधिकांश शिकायतों का निस्तारण हो गया है। लगभग 25 शिकायतें ऐसी हैं जो जिला स्तरीय अधिकारी को प्रेषित की गई थी, उनका निस्तारण इस स्तर पर प्राप्त नहीं हुआ है, संभवतः वो जिला स्तर पर प्रेषित की गई होंगी। उत्तराखंड में लगातार हो रहे सड़क हादसों के बाद मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए जाते हैं लेकिन उसके बाद भी होता कुछ नहीं है। हादसे एक के बाद एक होते जाते हैं और बस जगह बदल जाती है। उत्तराखंड में अगर सड़क हादसों की आंकड़ों की बात करें तो 5 सालों में लगभग 70,000 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं 7,000 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें 5,040 से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं और साल 2022 की बात करें तो इस साल लगभग 500 सड़क हादसे हुए जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बद्री केदार मंदिर समिति में बड़ी कार्रवाई करते हुए अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने फर्जी बदनाम और वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में एक कर्मी को निलंबित कर दिया है और अजेंद्र अजय ने कहा है कि वित्तीय अनियमितताएं की जांच के लिए मंदिर समिति के उपाध्याय किशोर सिंह पवार की अध्यक्षता में एक संयुक्त जांच समिति गठित की गई थी और इस समिति में मंदिर समिति के सदस्य भास्कर डिमरी, उत्तरकाशी के जिला महाप्रबंधक, ऋषिकेश के कोषाधिकारी और NIC के 3 तकनीकी विशेषज्ञों के अलावा मंदिर समिति के सहायक अभियंता शामिल थे।
सितारगंज किच्छा और सितारगंज पुलिस की अलग अलग टीमों ने दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और पुल भट्टा थाना क्षेत्र के इनामी बदमाश को थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट और सितारगंज के इनामी बदमाश नाजिम को सिडकुल चौकी इंचार्ज चंदन सिंह बिष्ट ने टीम के साथ गिरफ्तार किया है। सीओ ओम प्रकाश ने बताया है कि सिमरनजीत सिंह हिस्ट्री शीटर है और इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ किच्छा और पंत नगर थाने में 15 मुकदमे दर्ज हैं और वहीं कोतवाल भूपेंद्र सिंह ब्रिजलाल एसएसआई विनोद कतियान ने भी बताया है कि नाजिम 25,000 का इनामी बदमाश है। तो सितारगंज से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई साफ तौर पर देखने को मिली है। बता दें आपको कि बड़ी जानकारी सामने आई है, दो इनामी बदमाशों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर सितारगंज किच्छा और सितारगंज पुलिस की अलग अलग टीमों ने दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये भी जानकारी है कि पुल भट्टा थाना क्षेत्र के इनामी बदमाश को थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट और सितारगंज के इनामी बदमाश नाजिम को ही सिडकुल चौकी इंचार्ज चंदन सिंह बिष्ट ने टीम के साथ गिरफ्तार किया है। और सीओ ओम प्रकाश ने बताया है कि सिमरनजीत सिंह हिस्ट्री शीटर है और इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ किच्छा और पंत नगर थाने में 15 मुकदमे दर्ज हैं और वहीं कोतवाल भूपेंद्र सिंह ब्रिजलाल एसएसआई विनोद और इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि नाजिम 15,000 का इनामी है। और इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए क्योंकि वांछित या इनामी अभियुक्त यदि एट लार्ज रहेगा, यदि बाहर घूमता रहेगा तो लगातार क्राइम को अंजाम देगा, तो उनकी धरपकड़ के लिए हम लोगों ने टीमें बनाई हुई हैं और ये लगातार निर्देश उच्च अधिकारियों से हम लोगों को भी प्राप्त हो रहे हैं। उसी के क्रम में दो सफलता यहाँ मिली है। किच्छा सर्कल में सीओ किच्छा साहब के नेतृत्व में दोनों ही थानों को अच्छी सफलता मिली है। इसमें सितारगंज ने अपना एक इनामी गिरफ्तार किया है जिसमें 15,000 रुपये का इनाम घोषित था और ये वर्ष 2022 के ही एक प्रकरण में 2021 के एक प्रकरण में वांछित चल रहा था जिसमें इन लोगों ने धोखाधड़ी का काम किया था और इनमें अमानत में खयानत की थी और ये प्रकरण काफ़ी समय से लंबित था, तो इसमें नाजिम की गिरफ्तारी हुई है। अभी इसमें दो अभियुक्त और शेष हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बाकी इनके क्रिमिनल हिस्ट्री की हम लोग जानकारी कर रहे हैं। गोरखपुर में जहां पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने की बात कर रही है, ताबड़तोड़ अपराधियों पर कार्रवाई और अपराध से अर्जित की गई संपत्ति के जब्तीकरण की बात कर रही है और कार्रवाई हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर में बदमाशों के हौसले भी पूरी तरीके से बुलंद नजर आ रहे हैं। बता दें कि हथियार से हवाई फायरिंग करने का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और जानकारी के बाद पता चला है कि वायरल हो रहा वीडियो खोराबार थाना क्षेत्र के किसी गांव का बताया जा रहा है। वहीं वीडियो में फायर करते दिख रहा युवक खोराबार थाना क्षेत्र के कुसमी जंगल का सूरज जायसवाल है। लोगों के अनुसार सूरज जायसवाल काफी दबंग युवक है और उसके पिता के खिलाफ खोराबार थाने में धोखाधड़ी और इसके साथ ही मुकदमा का आरोप भी लगा है और कुछ लोगों का मानना है कि दहशत फैलाने के लिए यह हवाई फायरिंग की गई है। फिलहाल पुलिस मामले को दबाने में लगी हुई है और वहीं क्षेत्र अधिकारी कैंट से मोबाइल के जरिए बात की गई तो उन्होंने कहकर मामले की जानकारी और कार्रवाई की मांग की जाएगी ऐसा भी कहा है। और इस खबर के लिए जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी कर कार्रवाई की जाएगी और मामले से पल्ला झाड़ दिया गया। और गोरखपुर से हमारे सहयोगी धनेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनेश, वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, कहा जा रहा है कि हथियार लहराते हुए युवक का दबंगई करने का एक वीडियो वायरल हुआ है, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। जी देखिए, पूरा मामला गोरखपुर जिले के खोराबार थाना क्षेत्र का मामला है, कुसमी बाजार का मामला है ये, जो फायरिंग करने वाला लड़का उसका नाम सूरज जायसवाल बताया जा रहा है, इसके द्वारा फायरिंग की जा रही है। इसके खिलाफ भी कई मामले पुराने दर्ज है, पिता के खिलाफ भी धोखाधड़ी का भी मामला दर्ज है और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जब इसकी बारे में हम लोग ने थाना प्रभारी से बात करने की बात कही तो उन्होंने कहा कि अभी इस मामले की जानकारी हमें नहीं है, संबंधित चौकी प्रभारी से बात की गई, उसका सीओ जो है सीओ कैंट है उनसे भी बात किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी ये मामला हमें संज्ञान में नहीं है, मामले की संज्ञान लेते हुए और हम इस पे कार्रवाई जल्द करेंगे। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो नीरज पासवान जो स्थानीय निवासी है, नीरज पासवान उसके द्वारा चौकी पे जो है तारीफ दे दी गई इस मामले को लेकर, उसमें
तहरीर भी दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये ठंडे बस्ते में डाल के रखा गया है। जब से अगर गोरखपुर पुलिस की बात की जाए तो हमेशा गलती है, अपराध और अपराधियों के पूरी तरह नकेल कसा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के आदेश के द्वारा जो है अपराध और अपराधियों को जनपद गोरखपुर पूरी तरह नकेल कसा जा रहा है। लेकिन अगर देखी जाए, बात की जाए तो अपराधियों की तो हौसले पूरे तरह बुलंद है, सरेआम जो है फायरिंग कर रहे हैं। और देखा जाए जैसे हर फायरिंग को आस पास के जो क्षेत्र में है लोग काफी दहशत में है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई करने की बात की जाए तो पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये घटना पहली नहीं है, इसके पहले भी और भी घटने हर सारी के घटने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है अब इसमें देखा जाए इस मामले में खोराबाद पुलिस और सीओ कैंट क्या क्या जो है कार्रवाई करती है। अभी तक तो किसी प्रकार की कार्रवाई भी नहीं की गई है। जी दिनेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि हथियार लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दबंगई दिखाने को लेकर ये वीडियो वायरल किया गया है। दूसरी तरफ गोरखपुर में बदमाशों के हौसले पूरी तरीके से बुलंद नजर आ रहे हैं। बताते चलें कि हथियार से हवाई फायरिंग करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।